गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, मतलब नींद खुल गई, आज छुट्टी है तो काफी लेट हो गया, 4 बज गए हैं शाम के। छुट्टी है तो ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं। इधर लौंडे पड़े हुए हैं, अपना तुम्हारे भाई का बेड ये वाला है और ये रहे हमारे पंडित जी। चलो भाई घूमने, 4 बज गए शाम के और अपना कवर्ड क्यों निकल रही है बाहर, ब्रश करेंगे। चलो भाई, लाइट खुली है, देखे हो। ये वॉश बेसिन इतना बड़ा है कि क्या ही बताऊं मैं, पहली बार देखे इतने बड़े बड़े वॉश बेसिन। तो अभी हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं कहीं बाहर, सुबह सुबह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे सो रहे हैं तो को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैप मैंने पहन ली है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मास्क। तो मास्क भी ले लेते हैं यहाँ से और ये पुराना मास्क है, इसको डालते हैं डस्टबिन। भाई अंदर गया है बाथरूम में और सबसे मेन चीज़ मैंने दिखाई नहीं है तुम्हारे भाई के पड़े हैं। आप इससे एक ये है, एक ये है और बाकी तो अपना बैग है, ज़्यादा सामान ही अपने कपड़े वपड़े हैं जो अभी पहने थोड़ी देर पहले। प्लेट है खाने की, ऊपर भी खाने की प्लेट है, चाय का कप है। तो फाइनली अभी निकल रहे हैं, उजाले में निकलने वाले थे, इतनी देर में निकल रहे हैं। अब सर जी के कपड़े रहिए, सर जी के कपड़े भी लेके जाने पड़ेंगे जी सर। लाइट हो चुकी है बंद, भाई सो रहे हैं अंदर और गेट बंद करके निकलते हैं। अभी पहुंच चुके हैं नीचे, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है पता नहीं किसकी, और इस साइड यहाँ पे कूड़ा डाल सकते हैं और इस साइड को कपड़े सुखाने के लिए डाल सकते हैं यहाँ पे। तो अभी इसके कपड़े सुखाने जा रहे हैं, जूते भी ले रखे इसने हाथ में। और उस साइड को मस्जिद है जिसकी नौ शाम को अभी आ रही होगी और इधर पीछे गाड़ी है जो कि हमको लाने के लिए और छोड़ने के लिए भी जाती है डेली सुबह शाम। और अपने रूम अपने विलेज से निकलते ही ऐसा कुछ नज़ारा है, हालांकि मेन दुबई नहीं है ये, थोड़ा दुबई से थोड़ा बाहर ही है। और ये वाला अपना प्राइमरी मार्केट है जहाँ पे कि हम जाते हैं हमेशा सामान वामान लेने के लिए, और बाकी तो खाली है पूरा एरिया, उस साइड बच्चे वगैरह खेलते हैं। अभी जा रहे हैं अपने मतलब रेगुलर वाले मार्केट नहीं, दूसरे वाले मार्केट ऐसे घूमने के लिए। घोड़े रेगिस्तान के घोड़े, रेगिस्तान के चार हैं हम। अरे 13 नंबर की बस, जैसे कि हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम की बस। चल यार अब एक आध फोटो खींचते हैं इधर, उसके बाद आगे को चलेंगे। तो अभी इधर फोटो खिंचवाने वाले और इधर फोटो खिंचवाई नहीं क्योंकि भाई साहब के हिसाब से लोकेशन तो खराब है, तो दूसरी लोकेशन में चल रहे हैं अभी। इधर वाली लोकेशन मैंने चूज कर रखी है और ये वाली पता नहीं कौन से लोकेशन पे लेके जाएगा ये। अब तो पूरा मार्केट घूम के और लास्ट में कहाँ है तो झाड़ू चप्पल लेने के लिए, झाड़ू लेने आए तो भाई झाड़ू देख रहे हैं 31 ग्राम का झाड़ू। गाड़ी अगर रूम साफ करने के लिए भी हो जाएगा। ओहो भाई साहब बहुत बढ़िया झाड़ू पसंद आया तुमको, ये गाड़ी साफ करने मजा आ गया। इस साइड क्या है ये, अबे ये देख रहा है कील वील घुसाने का, तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा यहाँ आए क्यों है इस वाले सेक्शन में। ऐसे मुंह उठा के चल दी कहीं भी, मुंह उठा के तो आए यहाँ। चल सब्जी लेने चलेंगे, सब्जी लेके जाएंगे भाई। शीशे बड़े लग रहा है क्या, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है इसको देखने के लिए। भाई का नया फोन, फोन कहाँ है? ओहो वीवो का नया फोन है भाई, चकाचक। कौन सा है ये? ओहो वीवो का कौन सा है ये? देखो जब अपना डब्बा, अरे कितने सारे डब्बे आए इसके साथ, ये इसका पिन, एयरफोन है, एयरफोन कैसे कवर भी दे रखा है यार।
एयरफोन दिखाएं, एक एयरफोन मुझे दे दे यार। ओहो एयरफोन जो है वीवो ये भी तो जो एयरफोन भी दे दिए साथ में, ये किसका है भाई? ऐसी चीजें मत रखो मेरे सामने। ऐसी एयरफोन ये क्या है? ये ऐसी एयरफोन लूंगा यार मैं, ये आपकी बड़ा हल्ला करने का अपार मार है यार इसी। ओहो दो दो फोन भाई अमीर लोग। वीवो Y85 है, इसका डब्बा ही कितना भारी हो रहा है यार, क्या लिखे होंगे साइट का। 4 GB रैम है, 64 GB रोम। कितने का ये? 350 है। ये हमारी बेकरी है और ये यहाँ इसका एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर होते हैं और इतने बड़े एरिया में ये पूरी बेकरी है। यहाँ पे एक फ्रीजर है जो कि काफ़ी बड़ा है, आपको दिखाता हूँ अंदर से जाके, मतलब माइनस में टेम्परेचर होगा इसके अंदर, बहुत ही ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा सामान उसके अंदर रखा हुआ है, तो अंदर घुसने का मन नहीं है, पूरा एरिया इतना बड़ा। और यहाँ पे एक साइड में एक और फ्रीजर है इस साइड, इसमें भी बहुत ठंडा है, मतलब ये वाला पिछले वाले से थोड़ा कम ही ठंडा है। इस टाइम पे यहाँ कोई नहीं है क्योंकि अभी रूम जाने का टाइम हो गया, तो बाकी सारे नीचे वेट कर रहे हैं गाड़ी का। और मैं जो मिक्सिंग करते हैं आपने देखा होगा वीडियोस में, अगर यूट्यूब देखते हो आप ऐसे, तो ये सारी मशीनें हैं। ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है जिसपे गाने बजते हैं, हालांकि इंग्लिश गाने बजते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद इस साइड को स्टाफ रूम है जहाँ पे की खाना वाना खा सकते हैं इस टाइम पे। ये पूरा बेकरी का स्टोर है, इधर सारा बेकरी का सामान रखा हुआ है। इधर को नीचे जाने की लिफ्ट है और इधर को वॉशरूम है, सीधे सामने आपको एक और गेट दिख रहा होगा वहाँ पे। और ये रहा अपना वॉशरूम, काफ़ी बड़ा वॉशरूम, यहाँ मास्क लगा के आने पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकते। और आवाज़ भी घुस गई होगी यहाँ। तो नीचे पूरा मेन गेट है जहाँ से कस्टमर वगैरह अंदर घुसते हैं और यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब स्टाफ का रास्ता ये वाला है। यहाँ पे मैंने बोला था लिफ्ट है तो लिफ्ट में से चलेंगे, यहीं पे है लिफ्ट, किस्मत बहुत अच्छी, ग्राउंड फ्लोर पे चलेंगे। सो हर शाम को कुछ ऐसा नज़ारा होता है, देख रहे हो इतने अच्छे अच्छे ब्रेड है तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ से, ये बंद है और ये ब्रेड है, मतलब पूरी ब्रेड है तोड़ के और इसको अंडर डाल देंगे ब्रेड क्रम बनाने के लिए। ये एक ओवन है, ये प्रूफर है और वो भी ओवन है। और यहाँ पे बन रहे हैं पॉपकॉर्न, ये देख रहे हो यहाँ से बन के सीधे यहाँ पे गिर रहे हैं नीचे, और बाहर का तो व्यू दिख नहीं पाएगा, यहाँ से मैं ही दिख रहा हूँ। और बाहर इधर का है अंदर का व्यू, और बाकी अपनी ये पूरा बेकिंग एरिया है और प्रोडक्शन एरिया ऊपर है। हैप्पी न्यू ईयर, अरे बैंक हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस अभी है शाम का टाइम और मैं घूम रहा था इधर ऐसी, और सामने हमारा विला है और यहाँ पे सिगरेट वगैरह कहीं भी पी सकते हैं, ओपन है। और ये आ रहा है अपना भाई,